हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। साला चारों तरफ बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक, कचरा ही कचरा। आज पूरी दुनिया जो है प्लास्टिक से बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसे पूरी तरीके से खत्म होने में 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। और आज के टाइम में आप प्लास्टिक को बैन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो एक बार फिर से इंसान जो है पूरी तरीके से लकड़ियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि और भी ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इसका जो है सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा वो पड़ेगा मेडिकल लाइन्स के अंदर, क्योंकि गाइस यार आप जो है लकड़ी के इंजेक्शन तो नहीं बना सकते हैं ना, उसे तो आपको प्लास्टिक से ही बनाना होगा। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर इस प्लास्टिक का करे तो क्या करे। तो यहां पर जो है बहुत सारी थ्योरीज निकल के सामने आती है, जिसमें से एक थ्योरी यह है कि जिसके अनुसार हम जो है प्लास्टिक की मदद से पेट्रोल बना सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक को हम पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे करना सच में बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इस चीज को घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंपली प्लास्टिक से बनाएंगे पेट्रोल, वो भी सिंपली एक देसी जुगाड़ की मदद से। तो अब शुरू करते हैं। देसी जुगाड़ जिसकी मदद से हम सिंपली प्लास्टिक से पेट्रोल बनाएंगे। तो गाइस यार प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, और इस टेक्निक को कहा जाता है पाइरोलिसिस ऑफ प्लास्टिक, जिसके अंदर प्लास्टिक को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, करीब करीब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। फिर क्या होता है, गर्म होने पर उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूट के हाइड्रोकार्बन गैसेज और पेट्रोल जैसे फ्यूल के अंदर बदल जाते हैं। तो इसके लिए यार काफी सिंपल सा सेटअप है। देखो ये लोहे का ड्रम है, यहाँ पर काफी सारे प्लास्टिक, इसको हम बारीक काट लेंगे और फिर काट के इस ड्रम के अंदर भर देंगे। फिर इसे रख देंगे हम सिंपली भट्टी के ऊपर और इसे गर्म करेंगे। गर्म होने पर इसके अंदर वो जो हाइड्रोकार्बन है, जो गैसेस है, वो यहां से निकलेगी और यहां से आते हुए सीधे ही इस डिब्बे के अंदर आएगी। यहां पर हमने पानी भर रखा है, जिसकी वजह से वो कंडेंस होके इसके अंदर जमा हो जाएगी, और जो गैसेस होगी वो सिंपली इस नली से आते हुए इस बॉटल के अंदर निकलेगी। इसके अंदर भी हमने पानी भर दिया ताकि जो गैसेस निकले उसे हम आसानी से देख पाए। तो चलो यार डालते हैं इसके अंदर प्लास्टिक, गर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि इससे पेट्रोल बनता है या फिर नहीं।
राइट गाइस, ऑल सेट। तो हमें इसे काफी ज्यादा गर्म करना होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, राइट गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है धुआं कंडेंस होने लग गया है, और आप यहां से देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक के अंदर से जो गैसेस निकल रही है वो यहां से रिलीज हो रही है। गाइस यार, इसके अंदर से जो गैस निकल रही है इसे आग लगा के देखते हैं कि ये गैस भी फ्लेमेबल है या फिर नहीं। राइट गाइस, आप देख सकते हैं कि ये उस तरीके से तो फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जल रही है। देखो देखो, क्योंकि गाइस इसके अंदर से जो गैस निकल रही है वो प्योर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी फ्लेमेबल है और ये जल रही है, क्योंकि इसके अंदर से वाटर वेपर्स भी निकल रहे हैं, इस वजह से ये उस तरीके से नहीं जल रही, बाकी ये जल रही है। राइट, थोड़ी देर और इसे चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा पेट्रोल कितनी देर में बनता है। हमें जो है प्लास्टिक को बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, तो चलो उसे और गर्म होने देते हैं और वेट करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि इस वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पर पेट्रोल जमा होना स्टार्ट हो गया है। देखो धीरे धीरे इसके अंदर पेट्रोल बनता जा रहा है। ऑसम यार, गाइस मैंने सोचा नहीं था कि ये आइडिया सच में वर्क करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है और इसके अंदर पेट्रोल जमा हो रहा है। देखो यहां पर भी इसके अंदर पेट्रोल इकट्ठा हो रहा है। आप यहां से देख सकते हैं कि कुछ लिक्विड जैसा नीचे की तरफ जा रहा है। One hour later. आप देख सकते हैं कि पूरे 4 से 5 किलो प्लास्टिक को हमने इतने से पेट्रोल के अंदर बदला। हालांकि ये प्योर पेट्रोल नहीं है, तो चलो इसे किसी कंटेनर में लेते हैं और इसे जला के देखते हैं कि ये किस तरीके से जलता है या फिर ये किस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो व्हाइट स्टफ है ये है वैक्स, जिसे मोम भी बोल सकते हैं। राइट गाइस, तो इतने से पेट्रोल के अंदर आग लगा के देखते हैं कि ये जलता है या फिर नहीं। राइट गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी जल रहा है, और अगर जल रहा है तो मतलब ये फ्यूल के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो गाइस यार, इसे प्योर पेट्रोल या फिर प्योर डीजल बनाने के लिए इसे और भी ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, और इस तरीके से अगर हम पेट्रोल को मतलब प्लास्टिक से पेट्रोल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें 20% का मुनाफा होता है, यानी कि 40% तो हमें उसके अंदर एनर्जी लगानी होती है, जैसे कि जो गैस वगैरह है वो सब चीज़ें, और उससे हमें 60% आउटपुट मिलता है, यानी कि 20% का फायदा, और साथ ही साथ प्लास्टिक भी ठिकाने हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।